हेलो एवरीवन, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो बोर्ड परीक्षा है 10वीं 12वीं का, उसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, पुराने साल का क्वेश्चन पेपर 10वीं या 12वीं का, मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे आपको पूरा समझ आ सके कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फ्रेंड इसी प्रकार की जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। देन आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा फ्रेंड, उसके बाद आपको यहां पे सर्च करना होगा cgboardonline.com। सेम आपको इसी प्रकार से ही लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना होगा। दोस्तों, आप इसको मोबाइल कंप्यूटर किसी से भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, इसमें भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड, आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है cgboard question paper class 10, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, आपको इसी पे एक बार टच कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख लीजिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिया होगा। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्लास का भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, पूरा यहाँ पे क्लास दिया है, यहाँ पे एक से लेकर KG 1 से लेकर पूरा 12वीं तक दिया है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं 12वीं क्लास पे एक बार टच कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको बहुत सारे देख लीजिए, यहाँ पे है नोट्स दिख रहा है, प्री बोर्ड दिख रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। आप जिसका क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको टिक कर दीजिए। चलिए, मैं कोई भी एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ फाइनल एग्ज़ाम पेपर, उस पर एक बार टच करूंगा। तो दोस्तों चलिए एक बार इस यहाँ पे टच कर देते हैं। उसके बाद आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब जिस सन का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं उस सन पे एक बार आप टच करेंगे उस क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर पे हम चले जाते हैं, उसके बाद इसमें टच करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और इस पर आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड CG Board Class 10 English। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक बार टच करेंगे, उसके बाद फ्रेंड ये क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा या आपके सामने दिखाई देगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे हूँ इसलिए दोस्तों पहले मेरे को यहाँ पे व्यू करके दिखाई देगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे करके दिखा देते हैं कि देख लीजिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन पेपर ही है इंग्लिश का 12वीं का। तो फ्रेंड इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी साल का पुराने क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको 10वीं का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं उसको भी सेम इसी प्रोसेस से आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर से यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, फ्रेंड यहाँ पे लिखा है 10वीं क्लास, देख लीजिए इस पर एक बार हम टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड ये नया पेज ओपन हो जाएगा, फिर फाइनल एग्ज़ाम पे चले जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड कोई भी साल पे चले जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर पे टच करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर करके, इस पर एक बार टच करेंगे तो दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा या आपके सामने व्यू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो फ्रेंड आज छोड़ में बस इतना ही, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।